वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये नया वीडियो जो हम लेके आए हैं, उसमें जीके जीएस के 20 नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस वही पूछते हैं आपसे और वही लाने की कोशिश भी करते हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो कि शुरू होता है अब। सांडों की लड़ाई, इस खेल के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, जिसका सही जवाब है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान प्रदान करता है, क्या आपको पता है भारत का वह राज्य कौन सा है जो अनाज उत्पादन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? तो इसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल हैं? आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये क्वेश्चन भी काफी बार आपने पढ़ा होगा, जिसका सही जवाब है सी, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? इनके बारे में भी आपने काफी बार पढ़ा होगा, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो एलजी में से टीवी ही है जो काफी चलती है, और जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? Which article of the constitution has not been used? इसका सही जवाब है संविधान के आर्टिकल 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, और ये जो आर्टिकल 360 है ये वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से। तो अगला क्वेश्चन है आपसे, विश्व की सबसे चौड़ी यानी कि वाइल्डेस्ट जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी यानी कि वाइडेस्ट जल संधि कौन सी है? सही जवाब है डेविस की जल संधि, इनके बारे में भी आपने काफी बार पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? सही जवाब है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक तापमान पर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन भी आपने काफी बार पढ़ा होगा और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने फोन के इंटरफेस बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका सीमा रेखा नेपाल से नहीं लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुतों ने सही जवाब भी दिया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसका सही जवाब है सी, 23 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, जो जिला दर्रा, इसके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है और इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में काफी बार घुमा फिरा के पूछा गया है, पूछा जा रहा है, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 किससे संबंधित है, यानी रिलेटेड है? सही जवाब है, भारतीय संविधान आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? विच पॉलिटिशियन इज एसोसिएटेड विथ किसान घाट? इसका सही जवाब है ए, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1882 में स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, पार्थ किसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। जिसका सही जवाब है पार्थ, अर्जुन का सिनोनिम्स है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट भी है ही, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, काला झंडा किसका प्रतीक है? ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, जिसका सही जवाब है विरोध प्रदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। आज के इस वीडियो में वापस से हम एक नया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं क्यू फॉर यू में, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है परम पद किससे संबंधित है? परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, विज्ञान से, व्यापार से या कृषि यानी कि फार्मिंग से? अगर आपको सही जवाब पता है तो करना ये है, कमेंट सेक्शन में प्लीज जाइए, क्यू फॉर यू मेंशन कीजिए, उसी के साथ अपना सही ऑप्शन लिख दीजिए। और यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।